अरे भाई 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 को देखो फुल ऑन चपरी मोड में ऑन है। ज्यादा देर यहाँ पे इंतजार करेंगे तो रोजा हल्का होके नाइट्रोजन होके उड़ जाएगा। भाई साहब कंगाल हो गया, कुछ नहीं हो सकता तुझसे। रस्ते का माल सस्ते में 100 रुपए दे के ले लो बस्ते में। लायक नहीं है तू। जीतू उधर क्या है? KGF का बाइक। अरे भाई साहब दुनिया के इस संसार में घर बार में पड़ के हो गया था थोड़ा लाचार में, ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में। हेलो दोस्तों, बुजुर्गों बच्चा बड़ी मेरे से देख फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। टुडे इज द डे के खर्चा करने का दिन जो है आ चुका है, फिर से खर्चा करवाएगा हमारा एक। उसके लिए हम निकल के जा रहे हैं, अभी बहुत धूप है, धूप जैसा दोस्त के साथ कूल दोस्त भी चाहिए। इमरान भाई भी आ चुके हैं अपने रिक्शा को लेकर। बाकी लास्ट वीडियो में MT के बारे में बहुत कुछ मैंने शेयर किया था रिगार्डिंग सर्विस, कलर, ऑप्शन, प्राइस वगैरह। अगर वो मिस कर दिया तो देख लेना, वीडियो के आखिर में आ जाएगा या फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा आई बटन। डू नॉट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग टुडे और निकलते हैं एक्वा को लेकर। सो जैसा कि गाइस हमारा जो राइड है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, 19th को शुरू होने वाला है। बट इसी रोड ट्रिप के पहले जैसे कि बहुत दिन से हम बोल रहे थे कि एक्वा को कहीं पे भी ले जाते तो पीछे का टायर जो स्किड करना चालू कर देता है, और टायर जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिक्स है, क्योंकि इस तरह का जो हैवी सीसी का बाइक है इसे बाइक में स्पीड भी बहुत है। टायर अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो अच्छा कंपनी का टायर जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारे एक दोस्त है उन्हीं को बोले थे कि टायर जो लेके आना हम उसको फिटिंग करवाएंगे। तो ऐसे ही क्वालिटी के टायर की तलाश कर रहे थे पिछले हम 1-1.5 हफ्ते से, और आज जो है मिल चुका है। उसी को इंस्टॉल करवाने के लिए हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अभी इस्लामपुर। और भाई साहब बहुत महंगा टायर है भाई। राहों पे डालोगे काटे तुम जितने, मंजिल पे मैं यूं ही बढ़ता रहूंगा। मंजिल ये मेरी आसान नहीं है, हेटर्स पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पे टमटम का मेला चल रहा है, कौन किसको ओवरटेक करेगा इसी सोच में ये लोग घूम रहे हैं। जब रोड छोटा होता ना ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आपके शहर का हाल कैसा है? हर जगह में सुनने में आया बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बट गुवाहाटी में देखो ना कितना धूप यार, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होगा आज तो मेरे को लग रहा है। सबसे पहले तो कहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ में ये जरूर बताना कि आपके वहां पर बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारे रोड ट्रिप के प्लान पे सिलचर इंक्लूडेड था तो सिलचर में क्या हाल है? ऐसे ही कड़कती धूप है सिलचर में या फिर बारिश हो रहा है? बाकी मणिपुर नागालैंड में मेरे ख्याल से तो बारिश हो रहा होगा, अप्रैल का महीना है। वही हम सोच रहे थे कि अप्रैल में रोड ट्रिप करेंगे तो बाइक में करेंगे कैसा होगा, तकलीफ होगा? डेफिनेटली तकलीफ तो होगा। और हमारे इमरान भाई को सस्ता चश्मा चाहिए, हम कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना 100 रुपए का चश्मा, 100 रुपए का चश्मा वाला दुकान जो है यही पर है। और भैया जी निकलोगे तो हम डाल देते हैं। आप बुलेट वाले भैया निकलो जी। तो भाई मेरा सस्ते स्वैग का जो शॉप है इस तरफ भी ये देखते हैं, इमरान भाई फिदा हो चुका है हमारे चश्मा का कलेक्शन देख के, तो भाई बोल रहे कि उनको भी लेना है। कैसे हो? बढ़िया, चश्मा चल रहा है अभी भी आपका? ये टकाटक चल रहा है एकदम। मेरा चैनल का नाम है साइरेक्स, SIRAX। कौन सा ब्रांड का ये? GoPro। दिखाओ जरा कैसे लग रहे हो, सड़क छाप लग रहे हो यार। नहीं 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 नहीं, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा। तेरा तो अभी हो गया ना कंफर्म? मेरे लिए एक देख दे। चलो चलो फटाफट देखो ना यार, कुछ भी यार समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। सो गाइस हमारा भी चश्मा लेने का प्रोग्राम हो गया है, एक्चुअली गिफ्ट मिला इमरान भाई से, तो वो पहन के दिखाते आगे। थोड़ा धैर्य रखिए, हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। भाई साहब हॉर्न मार के क्या कर लेगा जिंदगी में, हेलीकॉप्टर जैसा पंखा लगा ले और ट्रैफिक में से निकल जा। भाई साहब अभी भी रिएक्शन मिलता है, सोचे थे कि एकरा हटाने के बाद रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना ये भी काफी सूदिंग है, हेड टर्नर। ऐसा नहीं है कि लोग घूम के नहीं देखते, अभी भी देखते हैं घूम। हार में ही तेरी जीत छुपी, रुकना ना जब तक जीत मिले, ये दुनिया तुझे ठुकराएगी, हर दिन सोताने सुनाएगी। और कल शाम को जैसे बोले थे लास्ट वाले वीडियो में कि KGF चैप्टर 2 देखने आएंगे सेंट्रल मॉल है, वही पे देखने आए थे हम लोग सिनेपोलिस में। भाई साहब डाउनलोड फाउनलोड मत करो, पायरेसी मत करो, हॉल में आके देखो और मजा लो दोस्तों के साथ। क्या भयंकर मूवी है भाई साहब, फुल ऑन एक्शन, फुल ऑन VFX, फुल ऑन इमोशन, सब कुछ मिस मत करना। और ये हॉल पे ही देखना, अगर हॉल से निकल जाएगा बाद में मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे देख के कोई फायदा नहीं है। जो फीलिंग देगा ना मूवी थिएटर में वो वाला फीलिंग आपको नहीं मिलेगा घर पे। ब्रिज के ऊपर में, फ्लाईओवर के ऊपर में टहल रहे लोग, बढ़िया है, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा भाई साहब। मंजिल पे ले जाएगा ये रास्ता तुझे दिखलाएगा, ये तुझको ये बतलाएगा। सो गाइस फाइनली घुस चुके हैं इस्लामपुर के रोड पर, और ये रोड काफी फेमस है खाने के लिए। जैसे कि गाइस हम रखे हैं रोजा, तो यहाँ पे रोजा लग जाएगा, उस हिसाब से सांस रोक के क्रॉस करना पड़ेगा। थोड़ा सा सांस लिए थे, क्या खुशबू, अरे बाप रे। ज्यादा देर यहाँ पे इंतजार करेंगे तो रोजा हल्का होके नाइट्रोजन होके उड़ जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं इस्लामपुर में, और जिस जगह में हम पहुंचे यहाँ पे टायर का घाटी है भाई साहब, टायर का फैक्ट्री है, यही से लेने के लिए आए हमारे लिए टायर पीछे का। एक्वा का टायर आज यहाँ से लेंगे।
बाकी जो बोले थे मोटो ब्लॉग में जस्ट चेक इट आउट, ये रहा चश्मा। थैंक यू सो मच भाई गिफ्ट देने के लिए। और भाई को देखो फुल ऑन चपरी मोड में ऑन है। अरे, 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 अरे। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, आपको कैसा लग रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी टायर जो है दिखाते हैं, चेक इट आउट गाइस। टायर का भरमा रहे यहाँ पर, रोटे गोटे पिरली विरली सब कुछ है, लेकिन इसमें दुविधा है। क्या दुविधा है बोल रहे हैं गाइस? फाइनली एक्वा का नया टायर आ चुका है, ये रहा टायर, मेटजेलर टूरेंस वाला मॉडल। और अभी जो है जेब के हिसाब से खाली पीछे का लगा रहे, बाद में लगाएंगे आगे का। और हम जो बोल रहे दुविधा ये है कि हमारे जिस भाई के जगह में आए हैं यहाँ पर, भाई अभी चला रहे घर से, बाकी जब दुकान होगा तब हम आपको प्रॉपर दिखा देंगे कहाँ पे शॉप है क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि हमारे मित्र है ना, पर्सनल टच है इसलिए मिल रहा है। कैसा लग रहा है देखिएगा, रस्ते का माल सस्ते में 100 रुपए दे के ले लो बस्ते में, तेरा चश्मा का दुकान। टायर लग चुका, अभी बैठते हैं बाइक पर और फटाफट जाते हैं गैराज में जहाँ पे ये टायर को हम इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्या है ना कि नॉर्मल टायर जो है इंस्टॉल हो जाता है हर किसी शॉप में, बट ये तो टाइगर है भाई, इसके लिए स्पेशल टूल चाहिए होता है। जस्ट नाउ दारिम भाई का फोन आया था, और जैसे कि आप सबको पता है कि दारिम भाई के पास भी निंजा 1000 है सुपर बाइक, तो वो भी अपना जो है टायर वगैरह चेंज जहाँ पे करवाते वही पे जाने के लिए बोल रहे, और वो वाला जगह है अभी राजगढ़ रोड पे। और हमारे जिस दोस्त के फैक्ट्री से हमने अभी टायर लिया है, तो भाई को हमने बताया था, एक्चुअली पूछा था एक बार बता दो आपका एड्रेस वगैरह या फिर फोन नंबर डाल दो, अगर कोई भी बंदे जो है टायर थोड़ा सस्ता रेट में लेना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। तो भाई बोले कि अभी नहीं, अभी थोड़ा मेरा स्टॉक थोड़ा कम है, बाकी जब हम शॉप ओपन करेंगे अपना तब आ जाना, तब हो जाएगा। भाई साहब क्या गाड़ी है भाई, जबरदस्त। ये सुपर बाइक वगैरह या फिर कोई भी बाइक हो, 300 सीसी 200 सीसी का बाइक भी चलाते हैं, हर तरह का टायर भाई के पास था। तो हमने बोला कि ठीक है एक बार शॉप ओपन कर लो, उसके बाद हम आके वीडियो भी बना के देंगे ताकि सारे लोगों के लिए भी सही हो। और ये जो मेटजेलर का टायर है पीछे का, ये आता है लगभग टाइगर के लिए 18-19,000 का आता है मेटजेलर का पीछे वाला टायर। तो भाई हम बहुत ही अच्छे रेट में दिए हैं, इसलिए बोले चलो कोई ना, बहुत अच्छा रेट में दिए हो, हम आगे आके भविष्य फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे जरूर। वालेकुम अस्सलाम, हो जाएगा ना यहाँ पे? मैंने अपना बाइक एपी किया है। वही बोला मैं अपने दर्शकों को। गाइस अभी आके पहुंचे हम बादशाह जी के दुकान पे, भूतिया बंगले के ठीक पीछे। और इधर मैं दारिम भाई, इनके रिकमेंडेशन पे आया हूं मैं, क्योंकि भाई का जो बाइक इस तरफ ये रहा निंजा 1000, उसका टायर भी भाई यहीं पे चेंज करवाते हैं। तो हमारा टायर जो अभी अनइंस्टॉल हो चुका है, और ये रहा हमारा टायर मेटजेलर का। भाई साहब कंगाल हो गए, 18-19,000 का टायर है। महंगा शौक पालते हो तो महंगा खर्चा भी होता है। जो हमारा पुराना टायर है टिमसम का, उसका भी वस्त्र हरण, देखते किस तरह से होता है। इस पे तो हर जगह में स्कीड मार रहा था, तो इतना चांस नहीं लेना है। जैसे कि रोटरी भी चालू होने वाला है, उस हिसाब से टायर चेंज करवा लेंगे तो सही है। इसको फटाफट करता है अनइंस्टॉल, लेकिन इसको लेके जाएंगे। टाइगर पे स्किट कर रहा है, बट डोमिनर वगैरह दूसरे बाइक पर स्किट नहीं करेगा। और डोमिनर पे भी फिट आ जाता है ये टायर, क्योंकि 150 सेक्शन का है, केटीएम में भी फिट आ जाता है। तो आई गेस ये वाला टायर हम सेल करने वाले। वो देखो उधर क्या है, केजीएफ का बाइक। अरे केजीएफ जैसा लग रहा है, अगर केजीएफ देख के आया ना रॉकी भैया का बाइक। अरे भाई साहब क्या जबरदस्त मॉडिफिकेशन किया है इसमें, रॉकी भैया जैसे लग रहा है। तो हमारे दारिम भाई अभी लेके जा रहे हैं पुराने टायर को। अपने घर पे रख रहे हो ना? हां मैं अपने घर पे रख लूंगा, मेरे को कस्टमर मिलता है तो बोलूंगा। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब कुछ कहा है चलो या तुम या फिर तुमको खुशी हो, मैं इस तरह ही लिखता रहूंगा, चलते रहो तुम मैं बिकता रहूंगा, राहों पे डालोगे कांटे तुम जितने, मंजिल पे मैं यूं ही बढ़ता रहूंगा। फोकस अपने पे। तो गाइस रुक रुक के अभी टाइम कितना हो गया भाई? हो गया 5:38 और इफ्तारी आज है 5:46 को, सभी इकट्ठे करेंगे। खाना पहुंच चुका है, ये देखिए ये तीन जो है ये समोसा है ना, समोसा चाट और ये वाला है पापड़ी चाट। मुंह में पानी आ रहा है ना हमको, आपको दिखाते मुंह में पानी आ गया। चलता रे तू चलता रे, मेहनत की आग में जलता रे। चलो अल्लाह का शुक्र। अरे भाई 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 चलो अल्लाह का शुक्र है, इफ्तारी तो हो गया हम लोगों का। बुरा नहीं बोलना चाहिए खाने का चीज है, लेकिन इससे घटिया आज तक गया तारिम गया चेतावनी देते हुए। बाकी खा जाना। अरे टायर भूल ही गया था मैं, चलो सभी टायर जो है फिटिंग हो चुका है, लग चुका है ये रहा टायर। तो पीछे का टायर इतने दिनों से जो फिश टेलिंग कर रहा था हाईवे पर हर जगह पर, अभी से ये प्रॉब्लम सॉल्व। खाली आगे का टायर जो है वो थोड़े दिन बाद लगाएंगे, क्योंकि पता है ना ये सब टायर कितना महंगा आता है भाई, कितना महंगा आता है। और बहुत सारे भाई लोगों का क्वेरी था, हमारा ये जो ट्रायम टाइगर है इसमें जो टायर लगा हुआ है क्या ये ट्यूबलेस टायर है या फिर ट्यूब वाला है? सो गाइस ये ट्यूबलेस टायर ही है, क्योंकि हमारे टाइगर में स्पोक एलॉय नहीं है, इसमें नॉर्मल एलॉय है। हमारा जो बाइक है ये XRX वाला मॉडल है, इसके ऊपर में आता है XCX लाइट, लेकिन खतरनाक लाइट लगाया मैंने। भाई साहब रोशनी देखो, ये इसका डीपर है फॉगलाइट का, इसका पर है येलो लाइट, और ये मेरा पहले का डनाली का लाइट है। सब कुछ ऑन कर देंगे तो भाई साहब भयंकर, चेक इट आउट, OMG, फटाफट ऑफ करते लोग, नहीं तो कभी हम काणा बन जाएंगे। भाई साहब
सुपर बाइक्स का तहलका हो गया, इफ्तारी खुलने के बाद हमारे अंदर ही नहीं बाइक के अंदर भी ऊर्जा आ चुका है। ओके सो गाइस, वहाँ से आ गए थे, थोड़ा बहुत तबाही किया रोड में, यानी कि पेलम पुलाई चालू था और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर लिया, बहुत रोजा लगा था एग्जैक्टली। अभी निकलते हैं घर के लिए, टायर के लिए कांग्रेचुलेशंस जरूर नीचे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और दुआ में हमें याद कीजिएगा। और वीडियो को जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत रोशनी है। जिंदगी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, या तो वीडियो तलाश करो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रैवल योर मदर। बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, फटाक से। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं टुमारो, बाय बाय।